हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? यूप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं बना रही हूँ आज कान्हा जी के लिए सिंगरदानी, जो कि मैं पहले ही वीडियो में डाल चुकी हूँ। मतलब अभी वीडियो पूरा एडिट नहीं हुआ था तो, लेकिन मैं उसमें बताई हूँ कि मैं उनके लिए सोफ़ा तैयार कर रही थी। लेकिन वो सोफ़ा के लिए ये जो है लकड़ी थोड़ा सा हमको अजीब लग रहा था, तो हम कहें कि मतलब इसका सोफ़ा नहीं तो सिंगारदानी ही सही। और भगवान के मेकअप का सामान इस पे रखने के लिए मैंने छोटा सा बनाया है ऑर्गेनाइज करने के लिए उनका। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर मतलब अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, मैं कर रही थी, मैं भूल गई थी कि मुझे एडिट भी कर अरे वीडियो भी बनाना है इसका। तो ये देखिए मैंने साइड से पहले इसको एक कपड़े से एक मतलब कार्डबोर्ड था उसको मैंने कट करके उसके बाद फिर कपड़े से चिपका दिया था। फिर साइड से इधर साइड से मैंने लगा दिया है और इधर साइड से मैंने लगा दिया है, दोनों साइड से मैंने अटैच कर दिया है। और पीछे के साइड से आप लोग देख सकते हैं, पीछे के साइड से भी मैंने अटैच कर दिया है। और आगे जो आता है ये वाला शीशा जो रहता है, ये वाला जो किसी काम का नहीं रहता है, मतलब हम मतलब किसी कोई लोग छू के दे देते हैं या कुछ करके दे देते हैं ऐसे रहता है, तो ये यूज में भी नहीं आता है उतना ये वाला मिरर। तो मेरा ये मैं सोची कि ये वाला जो मिरर है इसको यूज में ला। अब इसको मैं क्या करूँगी, इस पर पूरा फोम लगा के अच्छे से, यहाँ पे ये वाला जो फोम हम लोगों को मिलता नहीं फोम सीट कपड़े वगैरह में मिल जाता है, तो ये वाला फोम सीट मैं इसमें लगाऊंगी इसके ऊपर यहाँ पे। वैसे मैंने एक कार्डबोर्ड लगा दिया है और ये प्लाई थी, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमको भगवान को बिठाना यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर तो उनका श्रृंगार का सामान वामान सब सारा रखना है, और बिठा भी सकते हैं जैसी इच्छा हो वैसे रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जगह कंफर्टेबल है और यहाँ सामान रखना होगा तो यहाँ पे रख सकते हैं, हम लोग अटैच कर सकते हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है जो भी रखेंगे हम लोग यहाँ पे, उनका कंघा वगैरह भी रख सकते हैं, उनका सारा सामान हो जाएगा। अभी मैं डेकोरेट करूँगी, आगे आप लोग को दिखाऊँगी। तो मैंने अभी पूरा यहाँ पर फेविकोल लगा रखा है और भी लगाऊँगी मैं फोम सीट बैठाने के लिए, उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने फोम लगा दिया है इस पर, अब इसके ऊपर मैं कपड़ा अटैच कर दूंगी, फिर ये पूरा फाइनल लुक हो जाएगा। उसके बाद फिर फाइनल लुक नहीं मतलब डेकोरेट और भी करूंगी मैं। यही जो मैंने हम लोगों मैंने मतलब इस पर लगाया है वही कपड़ा यहाँ पे है, तो इसी से मैं इनको पूरा डेकोरेट करूँगी यहाँ पर। यही कपड़ा मैं यहाँ पर लगा दूँगी, अभी लगा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा लिया है कपड़ा। अब मैं जो ये वाली जगह है यहाँ पे मैं अटैच करूँगी ये वाला लेस, जो कि मैं राधा रानी के लिए बनाई थी तो उसमें से बचा है वही लेस, तो मैं वही यही वाला लेस अटैच करूँगी इसमें। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि इतना मैंने मेकओवर इसका कर दिया है और फाइनल लुक अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है जो कि इसे डेकोरेट करना आगे से। अभी ये स्टोन लगाना बाकी है, सितारा लगाना बाकी है, उसके बाद आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। अब मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है यहाँ पे मतलब रखने के लिए, उनको रखने के लिए यहाँ पे जगह मैंने बना दिया है, उसी वाइट कपड़े से ही बनाया है। मैंने सोचा कि फिर दोबारा दूसरा कपड़ा क्यों लगाना, अच्छा नहीं लग रहा था दूसरा कपड़ा। तो अभी ये गीला है थोड़ा सा, चिपकने में टाइम लगेगा कल तक, लेकिन अच्छे से चिपक जाएगा एकदम बढ़िया से। तो आप लोग देख लीजिए ये सारे बचे हुए ही मतलब जो बचे थे मेरे पास सब उसी लेस से मैंने बनाया है, जो भी बचे लेस थे उन्हीं से मैंने बनाया है ये सब, पूरा देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सितारा लगा के आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ इसका लुक। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए छोटी छोटी जो हमने बूटी सितारा था उसी से मैंने ये कवर कर दिया, और ये अभी सूखा नहीं है पूरा भी अच्छी तरह से,
आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा, सूख जाएगा तो फिर आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा स्टोन मेरे पास था तो वही मैंने लगा दिया है इस पर, पूरा अच्छे से आप कवर कर दिया है। जब सूख जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सूखने के बाद भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर, और फिलहाल आप लोग देख लीजिए ऐसे ही कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब पूरा, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये सब सितारे उतारा मैंने इसलिए नहीं दिखाया आप लोगों को क्योंकि मैंने, ये तो आम बात है सब लोग चिपका लेंगे इसीलिए बस। और सब तो लेस वेस चिपका के अपने जैसे को अच्छा लगे बस चिपका लीजिए, अच्छा लगे। तो मेरे जो भी लेस थे उससे मैंने ये सब लगा के तैयार कर दिया है, और ये भी मतलब लेस था मेरे पास तो वो भी मैंने लगा के इस पर चिपका दिया है। तो ये मेरी साड़ी का लेस था तो मैंने इस पर लगा दिया है। इससे मैंने बड़ी वाली राधा रानी का पूरा ड्रेस बनाया था तो उसमें जो बचा था उसी से मैंने ये तैयार कर दिया है। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।